गया शहर के टावर चौक के समीप से गांधी मैदान तक निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली। जिला निर्वाचन सह जिला पदाधिकारी अभिषेक सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। रैली गांधी मैदान पहुंचने के बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा उपस्थित लोगों को नैतिक मतदान करने का दिलाई गई शपथ। बात करी निकाली गई है जिसमें कि सभी स्कूलों के बच्चों को नियुक्त किया गया है और बच्चों के माध्यम से हम उनके अभिभावकों तक, उनके गार्जियन तक, उनके पेरेंट्स तक, उनके भाइयों तक और उनके माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि 11 अप्रैल को आप सभी अपने घरों से बाहर निकले, अपने सबसे बड़े अधिकार जो मताधिकार है आपका, वोट का अधिकार है, उसका उपयोग करें और स्वैच्छिक रूप से अपने मनपसंद जो भी आपके कैंडिडेट हैं उनको वोट करें। और इसके बाद से हम लोग कम से कम ये पूरी जो व्यवस्था है उसकी हम जिम्मेदारी ले सकते हैं, वरना हम अगर वोट नहीं करते हैं और फिर ये कहते हैं कि ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं तो हम कहीं ना कहीं उसके लिए हम अधिकृत नहीं हैं, उसके लिए हम अपना कार्य नहीं किए। तो इन बच्चों के माध्यम से मैं उनके सभी अभिभावकों को और सभी गार्जियंस को, पेरेंट्स को, भाई बहन को जो कि वोट देने लायक हैं, वोट दे सकते हैं, उनको मैं अनुरोध करता हूँ कि 11 अप्रैल को बड़ी संख्या में अपने अपने क्षेत्र में अपने मतदान केंद्र पर वोट दें। सर, बार ऐसे जो भी लोग हैं, चाहे वो बुजुर्ग हों जो कि मतदान केंद्र आने में अक्षम हैं, या फिर ऐसे दिव्यांग हों जो कि वोट देना चाहते हैं लेकिन मतदान केंद्र आने में अक्षम हैं, उनके लिए हम लोग एक विशेष व्यवस्था रख रहे हैं। ऐसे मतदान केंद्रों पर जहाँ पर ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा है चिन्हित किया गया है और वहाँ पर एक गाड़ी की व्यवस्था रहेगी जो उनको उनके क्षेत्र से, शहर से और या उन जहाँ पर रहते हैं वहाँ से उनको मतदान केंद्र तक लाई जा सके। अगर जज्बा है, सब लोग अगर देना चाहते हैं तो निर्वाचन आयोग की तरफ से यह जिम्मेदारी दी गई है हम लोगों को कि सुनिश्चित करने के लिए हर एक व्यक्ति जो कि वोट देने का लायक है उसको हम लोग मतदान केंद्र तक ला सकते हैं। जिलाधिकारी अभिषेक सिंह के निर्देशन में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार 330 निजी विद्यालय में क्लास 1 से 25% आरक्षित सीटों पर कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों का पारदर्शी तरीके से नामांकन प्रक्रिया का किया गया प्रारंभ। स्कूलिंग प्राइवेट लिमिटेड वेबसाइट www.schooling.com अथवा मोबाइल पर स्कूलिंग ऐप डाउनलोड कर कोई भी कर सकते हैं आवेदन। गया के मगध मेडिकल थाना क्षेत्र के पथरौरा गांव में शराब कारोबारियों के विरुद्ध खोजी कुत्ते के सहारे चलाया गया छापेमारी अभियान। ये अभियान प्रशिक्षु डीएसपी सह थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार रजक के नेतृत्व में चलाकर 3 क्विंटल महुआ एवं 12 बोरा देसी शराब किया गया बरामद। छापेमारी के दौरान गांव में खेतों से भी महुआ एवं पुलिस ने शराब किया बरामद। खोजी कुत्ते का भी रहा अहम भूमिका। शराब के मामले में हम लोग रेड कर रहे हैं। हाँ। स्नैपर डॉग आई हुई है, उनके माध्यम से हम लोग प्रत्येक गांव में छापेमारी कर रहे हैं। कहाँ पे लोग खेत में शराब या घर में शराब कहीं छुपा कर रखा है तो फिर वापस लोग खोज रहे हैं। हर एक बार सफलता ही मिलती है, कभी ऐसा नहीं होता कि नहीं। हमें पहले थोड़ा ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होती लेकिन अब थोड़ा सा कम मात्रा में प्राप्त हो रही है। लगातार छापेमारी बाद बहुत मात्रा में घट गई, लगभग 90% शराब में कमी आई है मेरे क्षेत्र में। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद गया में भी शराब माफियाओं के द्वारा होली पर्व को देखते हुए शराब की बड़ी खेप किया जा रहा है इकट्ठा। वहीं पुलिस द्वारा भी शराब कारोबारियों के खिलाफ लगातार चलाया जा रहा है छापेमारी अभियान। इसी कड़ी में गया के कोतवाली थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी कर मुरली हिल पहाड़ी के समीप से भारी मात्रा में देशी शराब किया बरामद। वही शराब कारोबारी भागने में रहा सफल। मौके पर उपस्थित एसआई विशेश्वर सिंह ने कहा कि शराब कारोबारियों के द्वारा होली पर्व को देखते हुए शराब किया जा रहा है इकट्ठा। सूचना मिली कि मुरली पहाड़ी पर अवैध देसी पोज का स्टॉक किया हुआ है, उसके सत्यापन है तो हम लोग प्रस्थान किए जहाँ पर भारी मात्रा में देसी पोज मिला है जिसकी काउंटिंग चल रही है। आगे
बड़ा बाबू बताएंगे। कहाँ से बरामद किया गया? मुरली हिल पहाड़ी से। क्या घर में रखा हुआ? नहीं, घर में नहीं रखा हुआ है। एक तो बगल में पैखाना जैसा टेंकी बना हुआ है 15x15 या 10x10 का, उसी में स्टॉक करके ऊपर से लगाया हुआ है, ये उसी में रखा। गया रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का सामान उठाने वाले कुलियों को स्टेशन पर जीवन यापन करने में हो रही है समस्या। कुलियों ने कहा कि एक ही छत के नीचे रहने को है विवश। कुलियों ने कहा कि स्टेशन परिसर में ईमानदारी के साथ अपने कार्यों का करते हैं निर्वहन, फिर भी नहीं मिल रही है सुविधा। पानी का बहुत सा परिस्थिति गंभीर है सर। रूम का बहुत सा हम लोग का तकलीफ, गिरे हैं जैसे टेहुना टूट गया मेरा, सही है। हम लोग पानी बिना भी मर रहे हैं। 5 बजे हम लोग फोन किए स्टेशन मास्टर के यहाँ, गए हम लोग, कहे भास्कर बाबू के कह रहे हैं, भास्कर बाबू नहीं मान रहे हैं हम लोग का बात। आके मिस्त्री आज भेजे हैं, बाकी आधा काम हुआ आधा काम, बाकी पानी देखिए चल के देख लें। बहुत सा समस्या गंभीर है हम लोग का है। समस्या हमारी ये है सर कि आधा 100-200 कुली थे जिसमें 79 भाई का नौकरी मिला है और 121 बच रहे हैं गया में। उसको लिए पीने के लिए पानी तरसा रहा है, लेटरिन रहने के लिए आवास सब छत पर सुतल सुतल में देखा के देखने का चीज़ है, सब गिर जा रहा है। हगने मुटने की समस्या, सब जाम पड़ा हुआ है। हम लोग घुटक घुटक कर मर रहे हैं, हमारी बात को कोई सुनने के लिए नहीं तैयार है कि कुली भी कंगाल कोई सदस्य हैं, अंग है, भारत के नागरिक हैं, कोई समस्या सुनने के लिए नहीं है। आप नहीं विश्वास है तो चल के समस्या देख लीजिए, बिल्डिंग देख लीजिए, तो लेटरिन बाथरूम देख लीजिए, रहने सहने के हमारे 121 को इतनी को रूम में 121 भाई रहते हैं, उसको रहने की जगह नहीं है। किसी तरह से बिता रहे हैं समस्या को। आजकल इटैची में चक्कर चल गया है, कोई कुली करने के लिए नहीं तैयार है। कैसे कैसे करके हम लोग के भूख पेट अथी करके दुख करके समस्या समाधान करा है। हमारी समस्या सरकार नहीं सुन रहे हैं, ऐसा हम लोग के एक तरह से जान मार देता, चाहे कहीं हंडर में डाल देते तो रेल मंत्री अच्छा था, लेकिन हमारी समस्या सुनते। बाल बच्चा सब क्या पढ़ाएंगे, बाल बच्चा के जब अपने पेट नहीं भरेगा तो हम बाल बच्चे का क्या समस्या समाधान करेंगे। इसके लिए ये लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, सभी को देखते हुए रेल मंत्री चलें कि किसका क्या समस्या है। गया जिला के बाराचट्टी प्रखंड अंतर्गत आवास योजना के नाम जोड़े जाने में धांधली के विरोध में वीडियो को ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन। इस मामले को लेकर वीडियो पंकज कुमार ने कहा मामले की जाएगी जांच। गरीब लोग का जैसे नाम जुटा है नहीं जुट रहा है, सुखी संपन्न लोग को जैसे पैसा लेकर के मुखिया और वार्ड सदस्य जैसे इस तरह का कार्य किया है कि 5-10 को लोग को जुटा है, बाकी जैसे नहीं जुटा है। जिसका पक्का मकान है वो भूमिहीन लोग के जैसे हरियन के घर घर जा करके जैसे खिंचवाया है, हरजन के कुछ नहीं हो जाए, यही मामला है। सब गर्जन के सब खींच ले थो चेंगो के हमन के कुछ नहीं। अभी कुछ वहाँ के ग्रामीण लोग आए थे और शिकायत कर रहे थे कि ग्रामीण आवास सहायक के द्वारा कुछ महादलित बस्तियों में जो नया प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम जोड़ने की जो प्रक्रिया चल रही थी उसमें नहीं जोड़ा गया, और ग्रामीणों का आरोप था कि वहाँ पे जो वार्ड सदस्य हैं उन्होंने इस काम से लोगों को रोका, वहाँ पे आवास आयोग को रोका। अब तो मामला जांच का विषय है और जांच उपरांत जो भी कोई दोषी होगा तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। उसमें जहाँ तक नाम जोड़ने की बात है तो अगर फिर से विंडो ओपन होता है नाम जोड़ने के लिए तो हम लोग कोशिश करेंगे कि कोई भी वर्चित किड्जी इंडिया का फेवरेट प्री स्कूल। निर्देशक सीए विजय कुमार यादव के मार्गदर्शन में इंडियाज फेवरेट प्री स्कूल अब आपके अपने ही क्षेत्र बाईपास अपोजिट अशोक विहार कॉलोनी गया बोधगया रोड गया में
एक वर्ष से ऊपर के आपके नौनिहालों को खेल ही खेल में अत्याधुनिक तरीके से पढ़ाने एवं व्यस्त रखने हेतु भारत का सर्वोत्तम प्री स्कूल अब आपके शहर गया में किड्जी प्ले स्कूल बाईपास अपोजिट अशोक विहार कॉलोनी गया बुद्धगया रोड गया किड्जी, जहां आरंभ से ही बच्चों को एक साथ रहने सहयोग करने एवं आत्मविश्वासी बनाने पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। हमारे लिए प्रत्येक बच्चा खास है, तो फिर देर क्यों, आज ही अपने अनमोल सुपर स्टार का नामांकन इंडियाज फेवरेट प्री स्कूल किड्जी प्ले स्कूल में करवाएं। हमारा पता है किड्जी प्ले स्कूल बाईपास अपोजिट अशोक विहार कॉलोनी गया बोध गया रोड। मोबाइल नंबर 9065589677। बच्चों को किड्जी से दूर रख पाना तो नामुमकिन है। किड्जी इंडिया का फेवरेट प्री स्कूल। भूस्वामी ग्रुप ऑफ कंपनीज नए साल के शुभ अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। अब आसान किस्तों में जमीन और फ्लैट खरीदने के सपनों को करे साकार। गया डोभी मुख्य सड़क बजौरा के समीप स्टार सिटी के द्वारा मात्र 11,000 के आसान किस्तों पर और गया फतेहपुर रोड बंधुआ गुमटी के समीप 8,500 के आसान किस्तों पर जमीन उपलब्ध है। और बोधगया रामपुर में सचिन क्लिनिक के निकट बुद्धा स्टार सिटी के द्वारा डुप्लेक्स और बंगलो उपलब्ध है। इस तरह भूस्वामी कंपनी का एक विंग सन सिटी जो आसान किस्तों में फ्लैट बनाकर देती है। 10 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में भूस्वामी ग्रुप ऑफ कंपनीज। हमारा सपना सबका घर हो अपना। गया पटना सड़क मार्ग पर बिथो के समीप अपार्टमेंट का निर्माण जिसमें मॉल भी रहेगा और दूसरा गया डोभी रोड एयरपोर्ट के समीप हरियो में शीघ्र ही अपार्टमेंट के लिए भूमि पूजन किया जाना है। तो हमारा पता याद रखिए, भूस्वामी ग्रुप ऑफ कंपनीज। पता डॉक्टर वजीर अली रोड धामी टोला गया। कॉल फॉर इंक्वायरी कॉन्टेक्ट नंबर 8002964951 या 06312221190।